खबर आजमगढ़ जनपद से, जहां सठियाव क्षेत्र अंतर्गत महरुआ मुरारपुर हनुमान मंदिर पर सेवा भारती आजमगढ़ के उपाध्यक्ष डॉक्टर दीपक पांडे द्वारा गांव के गरीब मुसहर बस्ती में लगभग सैकड़ों की संख्या में महिलाओं को कम्बल व बच्चों में गर्म कपड़े का वितरण किया गया। कार्यक्रम का आयोजन हनुमान मंदिर पर राहुल पांडे द्वारा किया गया था। कार्यक्रम में सेवा भारती के जिला महामंत्री अनिल त्रिपाठी के साथ सेवा भारती के अन्य कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान जब हमारे संवाददाता मनोज दुबे ने डॉक्टर दीपक पांडे से कुछ सवाल किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहते हैं। मेरा नाम डॉक्टर दीपक पांडे है, हम सेवा भारती के उपाध्यक्ष हैं। जी, हमारे साथ ही सेवा भारती की टीम है जी, जो कि समाज के शोषित वर्ग को जो संभव मदद होता है वो करती है, सेवा भाव से करती है जी। और आज के दिन हम लोग ये महुआ गांव में आए हैं, जहां पे एक दलित बस्ती है, मुसहर बस्ती है जी, जिसमें काफी शोषित है और ठंड का प्रकोप बहुत बड़ा हुआ है। तो हम लोगों की तरफ से एक मुहिम है कि इनको गर्म वस्त्र दिया जाए ताकि ठंडक से कुछ बचाव हो सके। और इस तरह के सेवा कार्य सेवा भारती के द्वारा सतत रूप से होते रहते हैं। हमको लगता है आजमगढ़ जिले में 10-12 कैंप तो हम लोग लगा चुके हैं, जिसमें ये गर्म कपड़ों का वितरण किया गया, और भी सेवा कार्य करते रहते हैं और आगे भी यह कार्य जारी रहेगा जी। ये सेवा भारती आजमगढ़ में सर कब से चल रही है? सेवा भारती आजमगढ़ में, सेवा भारती तो ऐसे संघ का बहुत पुराना अभिन्न अंग है, लेकिन आजमगढ़ में ये करीब 2.5-3 सालों से अपने जोर शोर पे चल रही है। इसके पहले भी थी, ये तो शुरू से चली आ रही है, लेकिन थोड़ी सुसुप्ता अवस्था में थी। इधर 2-3 सालों में जागृत हुई है। यहाँ पे तरवा में हम लोगों ने एक अनाथाश्रम टाइप का भी बनाया, जिसमें गरीब बच्चों को लिखाई पढ़ाई और ये सारा खर्चा दिया जाता है। हॉस्टल है उनका और स्कूल का, शिक्षा का, वस्त्र का, ये सारा खर्चा दिया जाता है। इसके अलावा जो समाज का शोषित वर्ग है उनकी सेवा का कार्य किया जाता है। कोरोना का जो काल था उस समय सेवा भारती की तरफ से जो मरीज रहते थे उनके परिजनों को राशन का पैकेट, अनाज का पैकेट, खाना, वस्त्र, ये सारा दिया जाता था। तो ऐसे कार्य करते रहते हैं हम लोग, इससे हम लोगों को आत्मिक खुशी मिलती है और इस कार्य का कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है, केवल सेवा है और सेवा करते रहते हैं। तरवा में जैसे बताया आपने विद्यालय है, तो वहाँ कितने बच्चे होंगे करीब? 26 बच्चे हैं अभी इस समय 26 बच्चे हैं, लेकिन वहाँ पे हम लोगों को 50 करने का लक्ष्य है जी। जैसे ही हम लोगों को ऐसे शोषित वर्ग के बच्चे मिलेंगे जो शिक्षा का खर्च नहीं उठा पाते हैं, ऐसे बच्चों की तलाश है हमें, जैसे ही मिलेंगे उसमें संख्या को बढ़ाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर।